बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1426 एंड बी हमारे पास दिया हुआ है, एंड बी इज इक्वल टू, हमारे पास बी कितना दिया हुआ है, 3 2 -1 -2। ए भी दिया हुआ है और हमारे पास बी दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस दिए हमें और हमने इसके दो पार्ट हल करने हैं। पहला पार्ट, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कैसे पता चला, क्योंकि जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही हमारे आई का ऑर्डर होगा। तो अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं, ए हमारे पास है, हमारे पास एडजॉइंट है। हम क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से उठाते जाते हैं और जो चीजें नहीं है पहले उन्हें मालूम करते हैं। तो ए हमारे पास है, एडजॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा कि डायगनल की जगह चेंज कर लेंगे, पोजिशन चेंज, और जो नॉन डायगनल है उनके साइन चेंज। तो ये 6 इधर आ जाएगा और हमारे पास यहां आ जाएगा 1। इनके साइन चेंज करेंगे, ये +2 -2 और +4 -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इसे मालूम करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए है तो ए को लिख लेंगे, ए हमारे पास है 1426 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट अभी हमने निकाला है 6 -4 -2 and 1। ए एडजॉइंट ऑफ ए, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी हमने एक्सरसाइज 1.4 में प्रैक्टिस की थी। दोबारा देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 + -4 = 8, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 - 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 - 6 × 4 = 24, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 - 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ गए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 6 में से 8 चले गए, -2 24 - 24 0, -2 + 2 अगेन 0, -8 + 6, इसे हम 1 का नाम। एक चीज सॉल्व होगी, दूसरी चीज उठा लेते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब पहले एडजॉइंट की वैल्यू, अभी हमने एडजॉइंट ये लिखा, 6 - 4 - 2 and 1, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 4 2 6, इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अब इन्हें मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही वाला रूल आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 6, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 - 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 - 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 + 6। हम यहां लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर लिख लेते हैं, 6 - 8 - 2 - 4 + 4 0, 12 - 12 0, -8 + 6 - 2, इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब थर्ड देखते हैं, इससे भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट हमारे पास नहीं है, मालूम करते हैं डिट ऑफ ए। डिटरमिनेंट के लिए आप या तो बार लगा लें या आप इंग्लिश में लिख लें। तो राइट साइड पे बार लग जाएगी ए के ऊपर, ए हमारे पास 1 4 2 and 6, 2 and 6,
डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस भी हमने कर ली, पिछले क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। सबसे पहले डायगनल में एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 × 1 = 6, माइनस सेंटर में हमेशा आ जाएगा, देन नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 6 में से 8 चले गए, माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, हमें आई चाहिए। आई क्या चीज है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, जरूरी नहीं ऑर्डर 2, 3, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में 2 क्यों है, क्योंकि हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक ऑर्डर 2/2, तो एक ऑर्डर 2/2। आइडेंटिटी 2/2 कैसे होगा, 1, 0, 0 और 1। आइडेंटिटी हमने पहले भी देखा, दोबारा देख लेते हैं पहले ही दूसरे लेक्चर के अंदर, कि डायगनल एंट्रीज सारी 1 होंगी और नॉन डायगनल क्या होंगे, 0 होंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डेट ऑफ ए इंटू आई, तो डेट हमारे पास कितना है, माइनस का 2 इंटू आई, आई अभी हमने लिखा 1, 0, 0 and 1। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस का 2, माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 2 इसे 3। अब देखते हैं क्या 1, 2, 3 इक्वल है, 1, 2, 3 बिल्कुल इक्वल है। अब यहां एक लाइन लिख देंगे बाय 1, 2 and 3। इन तीनों को देखते हुए हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे, क्या हमने इन तीनों को देखा और ये साइड वाकई इक्वल आ गई। क्या क्वेश्चन है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई। तो ये 1, 2, 3 से हमने क्या साबित कर दिया कि तीनों आंसर्स आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इसको रीड कर लेते हैं, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मींस आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में भी देखा है ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि बी का ऑर्डर भी 2 है, 1, 0, 0, 1 और इक्वल है बी इनवर्स बी, यानी पहले बी इनवर्स ले और इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और इधर बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। और ये वैसे लॉ भी है, जब कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, और ऑर्डर जो भी मैट्रिक्स का होगा वही हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। 2/2 है तो आइडेंटिटी 2/2 होगा, 3/3 होगा तो आइडेंटिटी में हमारे पास 3/3 का होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास बी मौजूद है, हमारे पास बी इनवर्स नहीं है, इसी तरह 1/1 क्वेश्चन के पार्ट कर लेंगे, बी इनवर्स नहीं है तो हम यहां बी इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, पीछे भी हमने देखा है 1/ B का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ B, तो हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरे नंबर में हमें क्या चाहिए, उसका एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम B का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, B का डिटर्मिनेंट 3, 2, -1 and -2 जी। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 2 माइनस का 6, सेंटर में माइनस। अच्छा अगर आपको डायरेक्ट समझ है दोबारा हम देख लेते हैं किस तरह किया, पहले डायगनल मल्टीप्लाई 3 × -2 सेंटर में माइनस, फिर नॉन डायगनल को यानी 2 × -1। बी डिटर्मिनेंट 3 × 2 - 6 माइनस, अब देखिए -2, 2 × -1 -1 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसने इस साइन को चेंज कर देना और वो होगा हमारे पास प्लस, तो -6 + 2 हमारे पास 4 हो गया। अगर डिटर्मिनेंट माइनस का 4, बड़ी वैल्यू का साइन, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो यहां लिख देंगे बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज पॉसिबल। जी अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, हम इधर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट कैसे लेंगे, जो डायगनल है उनकी पोजीशन चेंज, यानी माइनस 2 इधर और यहां आ जाएगा हमारे पास 3, जो नॉन डायगनल है उसका साइन चेंज, -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का 2 - 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें बी का इनवर्स चाहिए, फार्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है, बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/ बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास -4 और फिर आगे एडजॉइंट ऑफ बी,
-2, -2, 1 and 3। अगर तो हमें इनवर्स लेना होता सिंपल सब क्वेश्चन में तो हम इसे डिवाइड करते, लेकिन अगर इनवर्स के साथ किसी ने मल्टीप्लाई होना होता है तो डिवीजन का प्रोसेस हम सबसे एंड में करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करते। हमारे पास बी भी आ गया, बी का इनवर्स भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, बी मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स। तो अब हम यहां लिखते हैं बी मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स। तो पहले बी मैट्रिक्स है, हम बी मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 2, -1, -2 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हमारे पास 1/4, हम ब्रैकेट लगा लेंगे -1/4, -1/4 और इसका मैट्रिक्स आगे क्या हमारे पास -2, -2, -2, -2 और ये हो जाएगा 1 और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और ब्रैकेट क्लोज। डिवीजन सबसे एंड में करते हैं इसीलिए इसको उठा के पहले ले आए b इंटू बी इनवर्स, -1/4 को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 3, 2 एक बार हम सिंपल लिख लेते हैं -2, -2, -2, 1 and 3। अब पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में हम उसे डिवाइड करवा देंगे। b इंटू बी इनवर्स -1/4, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आ जाएगा -6, -6 -1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +2। फर्स्ट सेकंड से दोबारा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। टू में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -4, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4। सेकेंड से 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 -, ये माइनस का ये प्लस का +-, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/4। अब ये देखे -6, +4, +2, -4 -6, -6, +2 यहां दोबारा देख लेते इस स्टेप को -2, सॉरी -1, यहां मिस्टेक होगी हमसे। ये देखे 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2, -+4 तो -4, +4, 0 3 -3, 0 2 -6, -4। अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड के लिए हमने पहले भी देखा कि न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो दोबारा b इंटू बी का इनवर्स, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, या अलग अलग लिख ले इसको दोबारा, ये हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 क्योंकि ये पूरा फैक्टर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और फिर हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4। अब ये देखें ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसल, माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस। तो हम लिखते हैं b इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू +1, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा सारा फैक्टर क्या कर देगा वो 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई फिर 0 कर देगा। इसको दोबारा देखते फिर ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये वाला माइनस इस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इसे बना देगा +1। ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको लिख दे, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है विद ऑर्डर 2 का, हम लिख देंगे बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई और इसका नाम हम 1 दे देंगे, इसका नाम हम क्या दे देंगे 1। अब हम दूसरी चीज सॉल्व करते हैं। अब हमने ये पार्ट हल कर लिया आई के इक्वल है, अब हमने हल करना है बी इनवर्स बी के, बी इनवर्स बी हम यहां लिखते हैं बी इनवर्स बी, बी इनवर्स इंटू बी। अब पहले इनवर्स वाला मैट्रिक्स है तो आपने इनवर्स वाला पहले लिखना ही हमारे पास मौजूद है -1/4। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है -2, -2, 1 एंड 3।
वन एंड थ्री, ये तो हो गया हमारे पास बी इनवर्स। इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, बी के साथ, बी को लिख लेते हैं, बी हमारे पास है थ्री टू माइनस वन माइनस का टू, बी इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय। अब हम इन्हें पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए माइनस टू जब थ्री से मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स, वन मल्टीप्लाई जब टू से होगा प्लस का टू, फिर माइनस टू जब मल्टीप्लाई माइनस टू से होगा माइनस माइनस प्लस का टू, ये प्लस का वन जब माइनस के टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू, माइनस का टू जब थ्री से मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स, अब ये थ्री जब टू से मल्टीप्लाई प्लस का सिक्स, माइनस का टू माइनस वन से मल्टीप्लाई प्लस का टू, थ्री जब माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स। अब बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, सिक्स माइनस का सिक्स प्लस का टू, ये हमारे पास जाएगा माइनस का फोर, माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स जीरो, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस सिक्स माइनस का फोर। अब क्या करेंगे, माइनस वन बाय फोर को सबके साथ मल्टीप्लाई, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय फोर, फिर जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय फोर, फिर इस जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय फोर, और फिर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय फोर। अब देखते हैं, अब सबसे पहले फोर फोर से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ये प्लस का वन, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई जीरो, जीरो जिससे मल्टीप्लाई जीरो। अब दोबारा सेम वही प्रोसीजर, ये वाला फोर फिर फोर से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, तो हमारे पास प्लस का वन आ देगा। अगेन ये दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन गया विद ऑर्डर टू का, हम लिख देंगे आई और इसको लिख देंगे टू, इसको क्या लिख देंगे टू, और नीचे एक लाइन लिख देंगे बाय वन एंड टू। जो भी क्वेश्चन था हमने प्रूव कर दिया, क्या क्वेश्चन था कि बी इंटू बी इनवर्स हमने सॉल्व किया वो भी आई के इक्वल है, और फिर हमने बी इनवर्स बी सॉल्व किया वो भी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इज 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा बी और बी इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हो तो उन्हें मल्टीप्लाई करवाने से हमें क्या मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल तरीकाकार के अगर हमें ये पूछा जाए कि अगर क्या दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, हम सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सिंपल हम लेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इन्हें, तो दोनों मैट्रिसेस को हम नाम दे देंगे, लेट कर लेंगे हम, ए को ए दे देंगे, ए हमारे पास थ्री फोर बी सेवन, एंड दूसरे को हम बी का नाम दे देंगे, बी हमारे पास है एंड बी हमारे पास क्या है सेवन माइनस फोर माइनस फाइव एंड थ्री। और हमने एक चीज और भी अभी देखी कि अगर b इनवर्स b हो या b इंटू बी इनवर्स हो, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो दोनों केसेस में i आएगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं a b, यानी हमें दो बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि a मल्टीप्लाई b फिर b मल्टीप्लाई a, अगर इनवर्स हुआ तो ए बी से भी वही आंसर आएगा बी ए से भी, ये उस केस में अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, अदरवाइज मैट्रिसेस में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए इंटू बी, तो पहले ए है थ्री फोर फाइव सेवन, बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सेवन माइनस फोर माइनस फाइव एंड थ्री, ए बी सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेंटी वन, फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर माइनस ट्वेंटी, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव फिफ्टीन, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस का फिफ्टीन, फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी
वन, ए बी इज इक्वल टू 21 में से 20 चले गए प्लस का 1, 0, 0 एंड 1, सो ए बी इज इक्वल टू आई। अब मजीद आप चेक करना चाहें तो आप बी और ए को मल्टीप्लाई करवा के देख लें, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पढ़ ली है, उस समय अंदाजा होगा कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं या बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों केसेस में आई आता है। तो अब हम आई आ चुके हैं, सो हम नीचे लाइन लिख देंगे, सो गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हल कर लेते हैं, हम नाम लेते हैं मैट्रिक्स को, एक को ए दे देंगे, लेट कर लेंगे, एक को ए दे देते हैं, ए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1, 2, 2 एंड 3, और एक बी मैट्रिक्स ले लेंगे हमारे पास -3, 2, 2 एंड -1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अच्छा, इस केस में हम दोनों देख लेते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप दोनों केसेस को बेशक सॉल्व कर दें। हमने इधर ए बी हल किया, आप चाहते हैं तो बी ए को भी इस पोर्शन में हल कर ले, तो ए बी पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे ए इंटू बी, तो पहले ए मैट्रिक्स है 1, 2, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय बी -3, 2, 2 एंड -1 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए बी को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 3, ए बी -3 प्लस 4 1, -6 प्लस 6 0, 2 -2 0, 4 -3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये ए बी, फिर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अगर आप बी ए हल करना चाहते हैं तो बी ए बेशक कर ले साथ, बी ए बी -3 2, 2 -1, अब ए को मल्टीप्लाई करवा लेते, ए क्या है 1, 2, 2 एंड 3, बी ए मल्टीप्लाई करवाते -3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 6, टू मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 3, बी ए -3 प्लस 4 प्लस का 1, 2 -2 0, यहां से मिस्टेक है, अभी देख लेते हैं, -3 टू द माइनस का 6 प्लस 3 टू द 6 ये 0 हो गया, 4 -3 1, सो बी ए भी हमारे पास 1 आ चुका है। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों ही आई आ चुके हैं, सेम वही लाइन हम लिख देंगे, सो गिवन मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट लेक्चर